क्या करती आ रही है सरकार? हम बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार सरकार को दोषी ठहराने की आवाज उठा रहे हैं। नहीं नहीं, हम पुलिस की कड़ी निंदा करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं, ये कोई बात नहीं है। हम शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्या तरीका होता है? देख, लगातार आप देख ही सकते हैं किस तरीके से पकड़ के महिला को लेके जा रहे हैं, डिटेन कर लिया गया इन लोगों को। यही भारत सरकार का दोमुहापन है। फासीवादी नेतन्याहू और बाइडेन पूरी दुनिया के सबसे बड़े कत्ल मचाने वाले लोग हैं। यूएस और इजराइल जो बच्चों तक का कत्ल मचा रहे हैं, वो इंसान नहीं है, वो बर्बर भयंकर भेड़िए हैं। मच गई है पूरी, डिटेन करके इनको ले जाया जा रहा है। जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको लेके जा रही है। देख ही सकते हैं आप लोग किस तरीके से डिटेन करा जा रहा है इन लोगों को। मजलूम पे जुल्म बंद होना चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है। पुलिस की हम निंदा करते हैं, युद्ध विराम घोषित होना चाहिए। भारत की जनता को ये किस तरह की गुंडागर्दी है? ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, युद्ध विराम की घोषणा होनी चाहिए। बच्चों और नागरिकों की हत्याएं नहीं सहेंगे। कि कैसे भारत की फासीवादी मोदी सरकार आज फिलिस्तीन की जनता के संघर्ष में जो समर्थन हो रहा है उसका दमन कर रही है। स्टूडेंट्स को, सिटीजंस को कैसे पुलिस बर्बर तरीके से उठा के उनके साथ धक्का मुक्की करके उन्हें बसों में बंद करके ले जाया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। हमारे साथी बेहोश हो रहे हैं। फासीवादी मोदी सरकार मुर्दाबाद, बाइडेन नेतन्याहू मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। बीते दिनों से जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है उसमें लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, हाथों में पोस्टर लेके खड़े हुए हैं जहाँ पे फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं ये लोग। लेकिन वही नेतन्याहू का भी ये कहना है कि ये युद्ध नहीं रुकेगा, जहाँ पे महिलाओं और बच्चों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए लोग नारे लगा रहे हैं लगातार फिलिस्तीन के सपोर्ट में। नहीं, हम पुलिस की कड़ी निंदा करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं, ये कोई बात नहीं है। हम शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्या तरीका होता है? देख, लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे डिटेन करके लेके जाया जा रहा है महिलाओं को। जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन करें, आप देखिए किस तरीके से लोगों को डिटेन करा जा रहा है यहाँ पे। इन लोगों को फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। फिलिस्तीनी जनता का संघर्ष जिंदाबाद। लेकिन आप लोग फिलिस्तीन के समर्थन में वही दूसरी तरफ देखेंगे नेतन्याहू कह रहे हैं कि युद्ध नहीं रुकेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। अभी भी हम लोग भी संघर्ष कर ही रहे हैं, हम लोग भी लड़ ही रहे हैं तमाम। आप कोई भी प्रोटेस्ट देख ही रहते, हर बार डिटेन कर लेते लोग, लेकिन हम लोग फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में हम लोग लड़ेंगे तब। लेकिन आप ही लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है जो लोग समर्थन में आते हैं फिलिस्तीन के। हाँ, इसीलिए क्योंकि हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, तभी यही बात है। तो आप देख सकते हैं ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में आते हैं उनको डिटेन करके ले जाया जाता है। जेनोसाइड इन्होंने मचाया है फिलिस्तीन में, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरते रहेंगे। ये अमानवीय है, ये बर्बर है, और इनकी तानाशाही के खिलाफ, इनके जो इंपीरियलिज्म है जो आज पूरे जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ हम इजराइल कह रहे हैं कि पीड़ित तो हम हैं, हम लोग जो है आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। इजराइल कोई देश नहीं था, इजराइल की जो जमीन है वो फिलिस्तीनी जनता की है, वो फिलिस्तीन की जमीन है, और फिलिस्तीन के लोगों की जो मुक्ति की लड़ाई है वो बिल्कुल जायज है, उनकी आज़ादी की लड़ाई है। हमारे यहाँ भी जब अंग्रेज थे तो हम भी अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। आज ठीक वही काम फिलिस्तीन की जनता भी कर रही है। हम हमास का समर्थन नहीं करते हैं विचारधारात्मक तौर पर, लेकिन फिलिस्तीन की जनता जो लड़ रही है अपनी मुक्ति के लिए, हम उसका समर्थन करते हैं। आप लोग क्या लग रहा है?
लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि युद्ध नहीं रुकेगा। नेतन्याहू और बाइडेन पूरी दुनिया के सबसे बड़े कत्ल मचाने वाले लोग हैं। यूएस और इसराइल जो बच्चों तक का कत्ल मचा रहे हैं वो इंसान नहीं है, वो बर्बर भयंकर भेड़िए हैं जिनके खिलाफ आज पूरी दुनिया भर में लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। आप लोग सही का साथ दे रहे हैं फिर भी आप लोगों को लेके ऐसे बर्बरता के साथ लेके चले जा रहे हैं। यही भारत सरकार का दोमुहापन है। फासीवादी ज़ायनवादियों की एकता बनती है। यहाँ पे आप देख सकते किस तरीके से यहाँ पे लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है, और जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ उतरे यहाँ पे आप देख ही सकते हैं किस तरीके से पकड़ के महिला को लेके जा रहे हैं। डिटेन कर लिया गया इन लोगों को जो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे थे। फ्री फ्री पैलेस्टाइन। अरे देखिए किस तरीके से पुलिस इनको जबरदस्ती जो समर्थन में उतरे हैं फिलिस्तीन के उनको लेके जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते किस तरीके से हाथापाई मच गई है पूरी। डिटेन करके इनको ले जाया जा रहा है जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं। लगातार नारेबाजी कर रहे हैं लेकिन पुलिस इनको लेके जा रही है। देख ही सकते हैं आप लोग किस तरीके से डिटेन करा जा रहा है इन लोगों को। नारे भी नहीं लगाने दे रहे जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते किस तरीके से इंकलाब जिंदाबाद, आवाज उठा कर आएंगे फिलिस्तीनी जनता का सारा जिंदाबाद। आप लोग सही का साथ दे रहे हैं फिर भी आप लोगों को डिटेन करके ले जा रहे हैं। मजलूम पे जुल्म बंद होना चाहिए, इंसानियत का खराब है। और ये जो है अमेरिका की अमेरिका और संघ फिलिस्तीनी जनता का समर्थन करो। जीत है इसराइल के अंदर। चार दिन का जो सीज फायर हुआ है ये दुनिया के अंदर जीवनवादी सरकार के खिलाफ जो आवाज है उस आवाज की इज़राइल की जनता का सहारा। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं किस तरीके से लोगों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। हम लोग जो बाइट कर रहे हैं इनसे मारा जा रहा है पूरी तरीके से। इनको बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। जो हाथापाई भी साथ के साथ की जा रही है इन लोगों के साथ, बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग अगर कुछ पूछने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे थे उन लोगों को कैसे डिटेन करके लेके गए हैं। और यहाँ पे बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सवाल कर रहे हैं तो हम लोगों को भी रोका जा रहा है। यहाँ पे एकदम हाथापाई मचा दिया, हाथापाई में करके लेके गए हैं। महिलाओं के साथ किस तरीके से बर्बरता दिखाई है। और यहाँ पे और भी लोग हैं जिनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। ये बड़ बड़ कत्ले आप बचाने वाले लोग आज भारत इधर आ इधर आ चलो 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 हम ये देख सकते हैं जोर से फिलिस्तीन की मुक्ति जब तक संभव नहीं है हम लोग हेलो खाना चाहिए ऊपर चल जाओ हम देख
सकते हैं कि कैसे भारत की फासीवादी मोदी सरकार आज फिलिस्तीन की जनता के संघर्ष में जो समर्थन हो रहा है उसका दमन कर रही है, स्टूडेंट्स को, सिटीजंस को कैसे पुलिस बर्बर तरीके से उठा के उनके साथ धक्का मुक्की करके उन्हें बसों में बंद करके ले जाया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। हमारे साथी बेहोश हो रहे हैं, मुंबई में हमारे साथियों पे ऐसी धाराएं लगाकर उन्हें जेलों में बंद रखा गया था। ये है यहाँ की फासीवादी सरकार की असलियत। ये सिर्फ फिलिस्तीन को रिलीफ एड भेज कर ये बताते हैं कि ये फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन असल में इनकी एकता इसराइल और अमेरिका जैसे ज़ायनवादी साम्राज्यवादियों के साथ बनती है, जो आज बच्चों का कत्लेआम मचा रहे हैं। ऐसे में हम उन तमाम लोगों से अपील करेंगे कि फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए खड़े होइए, क्योंकि आज इंसान होने का सही मतलब यही होगा कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है हम उसके लिए बोले, उसके खिलाफ खड़े हों। एक इंसान होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, अगर सही में हमारे दिल में फिलिस्तीन की जनता, वहाँ के बच्चों के कत्लेआम के विरुद्ध जरा सा भी गुस्सा है, जरा सा भी हमें ये लगता है तो खड़ा होना चाहिए फिलिस्तीन के लिए। देखिए हमास काम विचारधारात्मक तौर पर समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम फिलिस्तीन की जो मुक्ति की लड़ाई है हम उसके लिए खड़े हैं, क्योंकि फिलिस्तीन इसराइल कोई देश नहीं है, इसराइल वो सेटलर कॉलोनी है जिन्होंने, जिसने फिलिस्तीन की जनता को ही उसकी जमीन से उखाड़ फेंका है और उसके बाद उनका कत्लेआम मचा के वो ही सोच रहे हैं कि हम चुप रहेंगे, लेकिन लोग लड़ेंगे। पटेल चौक जा रही थी, पटेल चौक जा रही थी, मुझे यहाँ उठा लिया, मैं निकल रही थी यहाँ से, मेरे को उठा लिया यहाँ पे। मोदी सरकार को फासीवादी सरकार बताया जा रहा है, और यहाँ पे एक महिला भी आई थी, उनको बोला गया है कि वो पटेल चौक जा रही थी, फिर भी उनको ज़बरदस्ती उठा के लेके चले गए हैं, लगातार यहाँ पे जो फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन हो रहे हैं, जो लोग बोलते हैं, जो लोग आंदोलन करते हैं, उनको आंदोलन करने से रोका जाता है, और इस तरीके से आपने देखा डिटेन कर लिया जाता है महिलाओं के साथ, किस तरीके से बर्बरता का जो है दुर्व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा ही, किस तरीके से बर्बरता के साथ उसको लेके चले गए और उनको बोलने भी नहीं दिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो ये पोस्टर पड़ा हुआ है, फिलिस्तीनी जनता पर इसराइली हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तो यहाँ पे देख सकते हैं आज ही विरोध प्रदर्शन था इसराइल के खिलाफ, जो इसराइल के जो लोग हैं, उन जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको किस तरीके से मारा जा रहा है, इसराइल से जो बमबारी की जा रही है, महिलाओं और बच्चों को इसके लपेट में आ रहे हैं, तो वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में ये लोग आंदोलन करने आए थे, उन्हीं के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे, फिर भी उन लोगों को डिटेन कर लिया गया। आई की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनता आवाज़।